हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप एवरी वन इज़ डूइंग ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन फ्रेंड्स वीडियो के एंड में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना सो फ्रेंड्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आज का फर्स्ट वर्ड है मेटिकुलस बहुत ही अच्छा वर्ड है ये इसका मतलब होता है केयरफुल डेलीजेंट हिंदी में सूक्ष्म सो फ्रेंड्स जब कोई भी चीज़ हमें बहुत बारीकी से बहुत ध्यानपूर्वक करनी होती है उसको हम कहते हैं मेटिकुलस आप इसको लिंक कर सकते हैं यहाँ पे मेटिकुलस को मेटल से तो मेटल को हमें बहुत ध्यान से रखना होता है केयरफुली रखना होता है या फिर हमें अगर गोल्ड uh, पे काम करना है गोल्ड स्मिथ को या फिर सिल्वर पे काम करना है तो बहुत केयरफुली काम करता है तो मेटल से आप मेटिकुलस याद रखेंगे यहाँ पे देखिए गोल्ड स्मिथ है ये बहुत बारीकी से काम कर रहा है इस बैंगल पे इस गोल्ड ऑर्नामेंट पे तो एग्जांपल है द डिज़ाइंस आर हैंड ग्लेव्सड विद मेटिकुलस केयर जो डिज़ाइंस है उन्हें हाथों से बारीकी से काम किया गया है उन पर नेक्स्ट इज़ सरकमस्पेक्शन मीनिंगशन प्रूडेंट डिस्क्रिप्शन हिंदी में एहतियात और आपने एहतियात से सुना होगा जब भी आप कहीं नई जगह पे जाते हैं पहली बार वो भी अकेले तो घर वाले या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे वो कहते हैं जा तो रहे हो लेकिन पूरी एहतियात बरतना मतलब बहुत केयरफुल रहना कॉशन बर मतलब कॉशन रखना प्रूडेंट रहना बहुत ज़्यादा हर चीज़ संभल के करना और इनफैक्ट स्कूल में भी या फिर कॉलेज में जब सेशन स्टार्ट होता है तो टीचर्स और प्रोफेसर्स भी बोलते हैं कि सेशन स्टार्ट हो रहा है लेकिन अभी से पढ़ाई करो ताकि बाद में रिज़ल्ट अच्छा आए फेल या फिर गंदे ग्रेड्स ना आए आपके तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये बच्चा कितना अच्छा है ये पहले से ही पढ़ता है अच्छे से सब कुछ अच्छे से ध्यान से पढ़ता है और एग्ज़ाम टाइम में क्या करता है बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली एग्ज़ाम देता है तभी ये कह रहे हैं से गुड बाय टू एग्जाम फोबिया क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ लिया इसका एग्जाम्पल लेते हैं सर्कमस्पेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन द डे टू डे एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए उनको लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी बहुत कॉशन बरतना पड़ेगा ताकि कोई भी गलती ना हो जाए ठीक है तो आप सर्कल इंस्पेक्शन को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक सर्कल है मतलब कोई सर्कल कोई जगह है वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ तो इंस्पेक्शन क्यों कराया गया उस सर्कल में जैसे मान लो कोई परेड होती है जैसे रिपब्लिक डे की तो पहले ही इंस्पेक्शन होता है पहले ही एहतियात बरत ली जाती है क्योंकि चीफ गेस्ट आते हैं बहुत सारे अपने प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी पब्लिक होती है तो वो पूरी एहतियात बरतते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए जिस वजह से क्या हो बाद में प्रॉब्लम हो जाए तो देखो का मतलब सर्कल एक सर्कल में इंस्पेक्शन हुआ है क्यों ताकि कोई गलती ना हो जाए तो क्या किया गया सरकम स्पेक्शन किया गया है क्वेश्चन लिया गया है पहले ही ठीक है नेक्स्ट इज एमोल्यूमेंट इसका मतलब होता है सैलरी फ़ी या फिर अलाउंस तो कुल मेहनताना मतलब आप जब मेहनत करते हो किसी कोई काम करते हो मेहनत करते हो कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो उस मेहनत के लिए आपको पैसे मिलते हैं आपको सैलरी मिलती है तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं वेन द वाइस प्रेजिडेंट एक्ट्स एज प्रेजिडेंट ही गेट्स द एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेजिडेंट मतलब जो वाइस प्रेजिडेंट है जब वो प्रेजिडेंट मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है तब उसे क्या मिलता है उसे प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है ठीक है प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा Uh, जब प्रेसिडेंट नहीं uh, रहते हैं मतलब एक्सपायर हो जाते हैं या फिर कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि वो बाहर हैं लेकिन कुछ इमरजेंसी है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है और वो क्या करता है सारे काम करता है सिग्नेचर करता है प्रेसिडेंट की जगह पर और उसको फिर सैलरी भी मिलती है किसकी जो जो जितनी प्रेजिडेंट को मिल रही होती है उतनी वाइस प्रेजिडेंट को मिलती है उस टाइम पर तो एक्टिंग प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट की सेम ही सैलरी होती है ए चलो आगे चलते हैं एपिसोडिक एपिसोडिक का मीनिंग होता है हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली कभी कभी होने वाली घटना कभी कभी होने वाली बातें कभी कभी होने वाली चीज़ तो वो होता है एपिसोडिक तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं द वॉर बिटवीन दीज टू कंट्रीज हैज़ बीन लॉन्ग ड्रॉन आउट एंड एपिसोडिक मतलब इन दो देशों में लड़ाई हो रही है लेकिन वो कभी होती है कभी नहीं होती है मतलब कभी बंद हो जाती है कभी चालू हो जाती है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है और फ्रेंड्स आप ऐसे भी इसको कर सकते हो जैसे uh, मान लो आपके सिबलिंग्स हैं उनसे कभी लड़ाई हो जाती है कभी सही बात कर रहे हो तो फिर लड़ लेते हो तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो कभी कभी होती हैं और इरेगुलरली हैं ठीक है नेक्स्ट एपिस्टल एपिस्टल मीन्स अ लेटर पत्र तो पत्र कोई भी हो सकता है जैसे आप अपने घर वालों को कोई चिट्ठी लिखते हैं या फिर पुराने टाइम में चिट्ठियाँ ज़्यादा चलती थी तो उसको एपिस्टल कह सकते हैं। एग्जाम्पल है द एपिस्टल फ्रॉम द कोर्ट जो चिट्ठी कोर्ट से आई है ऑर्डर्ड मी उसने ऑर्डर किया है मुझे टू अपियर एज अ पॉसिबल ज्यूर मतलब कि वहाँ पे एज अ पॉसिबल ज्यूर क्या होना है जाना है अपेयर होना है और यहाँ पे देखिए ये एक बुक भी है इस पर क्या है ये द प्रिजन एपिस्टल्स मतलब जो जेल है उसके बारे में लिखा गया है इसमें पत्र है मतलब नेक्स्ट इज इक्वेनिमिटी इक्वनीमिटी का मतलब होता है कामनेस या फिर ट्रैंक्विलिटी मतलब धैर्य शांति धैर्य तो इक्वेनिमिटी को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इक्व होता है इसका मतलब होता है इक्वल आपको देख के पता चल रहा होगा ईक्ल ई क्यू यू equal क्या होता है यहीं से बना है ये equal, equal से ही बना है ये ठीक है और एनिमिटी का मतलब होता है माइंड आपका दिमाग तो इक्वल माइंड अगर माइंड हमारा संतुलन में रहेगा सही रहेगा तो कैसे रहेंगे हम शांत रहेंगे काम रहेंगे और कोई भी सिचुएशन आएगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इस इमेज में ये बच्चे कितने इसका माइंड कितना पीसफुल है कितना काम है और ये यह यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं फॉर पीस ऑफ माइंड और बोला भी जाता है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेट करें तो एग्जाम्पल है शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विद इक्वानिमिटी उसने अच्छा और बुरा दोनों ही इक्वानिमिटी के साथ कामनेस के साथ ट्रैंक्विलिटी के साथ क्या करा एक्सेप्ट करा फ्रेंड्स ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विल का एक और सिनोनिम है दैट इज़ प्लेसिड या ये बहुत ही अच्छा वर्ड है एग्जाम में पूछा भी जाता है ट्रैंक्विल भी और प्लेसिड भी तो प्लेट आप याद रखेंगे ट्रैंक्विल से है और ट्रैंक्विल आपको पता ही है इक्वेनिमिटी का मतलब है तो मतलब शांत धैर्य नेक्स्ट पे चलते हैं एप्सकॉन्ड एप्सकॉन्ड का मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली मतलब चुपके से भाग जाना फरार होना आपने मूवीज में देखा होगा कई बार कि को या फिर जो गुंडे होते हैं उनको पकड़ कर लेकर आते हैं जेल वाले और मतलब पुलिस वाले और जेल में डाल देते हैं और वो क्या हो जाता है फ़रार हो जाते हैं उन्हें कोई ना कोई बचाने आ जाता है और वो फरार हो जाते हैं निकल जाते हैं जेल से तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एक पर्सन है वो पहले जेल में होता है फिर मौका मिल जाता है उसे गेट खुल जाता है और वो फरार हो जाता है तो इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो आपने जेम्स बॉन्ड तो नाम सुना ही होगा एक्टर का तो जेम्स बॉन्ड क्या हो गया एप्सकॉन्ड हो गया तो एप्सकॉन्ड आएगा आपको सीधा याद आ, आ जाना चाहिए जेम्स जेम्स बॉन्ड बॉन्ड तो क्या हो गया एप्सकॉन्ड हो गया मतलब फरार हो गया एग्जाम्पल ही एप्सकॉन्डेड फ्रॉम पुलिस कस्टडी कि वो पुलिस कस्टडी से क्या हो गया फरार हो गया नेक्स्ट इज पोग्रोम पोग्रोम ये बहुत अच्छा वर्ड है मस, इसका म, मीनिंग होता है मसैको हिंदी में तबाही जब बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या तबाही पोग्रोम और इसको आप ट्रिक है कि कोई प्रोग्राम हो रहा था कहीं पे, मान लो ताज होटल में कोई प्रोग्राम हो रहा था उस प्रोग्राम के दौरान टेररिस्ट आए और क्या कर दिया उन्होंने टेररिस्ट ने पोग्रोम कर दिया मतलब तबाही मचा दी क्या कर दिया मसाकर ठीक है तो प्रोग्राम के दौरान टेररिस्ट ने प्रोग्राम कर दिया प्रोग्राम के दौरान तो प्रोग्राम आएगा तो ध्यान रखना अच्छा प्रोग्राम प्रोग्राम में क्या हुआ था टेररिस्ट आए थे और उन्होंने क्या कर दिया सबको मार दिया मतलब मसैक ठीक है और एक और चीज़ आप कैसे याद रखेंगे कि इसका मसैक है क्योंकि देखो मास आ रहा है तो मास मतलब बहुत सारे लोग ठीक है तो इसको एग्ज़ाम्पल लेते हैं टू कंट्रोल प्रोग्रोम कि प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए तबाही को कंट्रोल करने के लिए कोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस जो करोना वायरस की वजह से हुआ है गवर्नमेंट नीड टू मेक अ बेटर डिसीजन गवर्नमेंट को एक बेटर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है नेक्स्ट इज पेरिश इसका मीनिंग है डाई डेक्लाइन और डके तो इसका हिंदी में होता है नाश तो आप देखिए क्या होता है समर्स में जब हम कोई चीज़ सब्जियाँ या फिर दूध बाहर रख देते हैं तो वो खराब हो है, जाते हैं सड़ जाते हैं तो तभी मम्मी कहती है कि फ्रिज में रख दो वरना ख़राब हो जाएगा दूध रात को ऐसे बाहर नहीं छोड़ना है या फिर सब्जी बाहर नहीं छोड़नी है अगर कोई रखी है तो तो इन समर्स इफ़ फूड इज लेफ्ट आउटसाइड इट विल पेरिश अगर समर्स में फूड को बाहर रखा गया तो वो सड़ जाएगा खराब हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये एप्पल को बाहर रख दिया और ये क्या हो गया खराब हो गया नेक्स्ट इज़ इसी का दूसरा एग्जाम्पल है ड्यू टू हेल स्टोम क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स गॉट पेरिश कि हेल स्टॉम क्या होता है जब बारिश होती है उसमें ओले पड़ते हैं ना बर्फ़ के तो वो होता है हेल स्टॉम ठीक है उसे हेल्स कहते हैं ओलो को और हेल स्टॉम मतलब ओलो की बारिश तो क्रॉप्स जो होती हैं फार्मर्स की वो क्या हो गई पेरिश हो गई खराब हो गई और यहाँ पे देखिए ये ओले भी ले रहा है ये बर्फ के ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स एक और चीज़ आप पेरिस को ऐसे याद कर सकते हो कि अभी आपको पता ही है कोरोना वायरस चल रहा है और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में मतलब काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे केसेस नहीं आए हैं बट काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे केसेस आए हैं और लोग मतलब तो मर रहे हैं तो आप पेरिस से याद कर सकते हो ऐसे कि पेरिस में कोरोना वायरस से कहाँ पे पेरिस में जहाँ पे क्या है आइफिल टार है पेरिस में कोरोना वायरस से लोग पैरिश हो गए ठीक है मर गए नेक्स्ट इज सेलिबेट सेलिबेट का मतलब होता है एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्शुअल एक्टिविटी एंड मैरिज मतलब मैरिज से शादी शुदा जिंदगी सेक्शुअल एक्टिविटी से दूर रहना हिंदी में ब्रह्मचारी या फिर कुआरा जो शादी करे ही ना जिसकी शादी हुई ना हो करी ना हो उसने खुद या फिर वो दूर रह रहा हो इन सब चीज़ों से उसको कहेंगे सेलिबेट ट्रिक ये है कि देखो सेलिब्रेट को आप लिंक कर सकते हो किसके साथ सेलिब्रेट के साथ अब सेलिब्रेट कौन कर रहा है आपने देख ही लिया यहाँ पे क्या लिखा है ब्रह्मचार्य कुआरा तो सेलिब्रेट कौन कर रहा है जो कुंवरा है और वो क्यों सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो फ्री है वो घूम सकता है आ सकता है और जो लड़के होते हैं वो अपने शूज़ कहीं पे भी रख सकते हैं सबके लिए नहीं है बट काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि शूज़ अपने रख रख देते हैं आराम से कहीं पे भी रख देते हैं आराम से फैला रहता है उनका रूम तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है तो वो इन्जॉय कर रहे होते हैं तो एन्जॉय कौन कर रहा है सेलिब्रेट ठीक है सेलिब्रेट और सेलिब्रेट कौन जो शादी नहीं करी है जिसने तो ये ट्रिक है फ्रेंड्स इसको आप लिंक कर सकते हो बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग है एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्शुअल एक्टिविटी एंड मैरिज मतलब जो शादी या सेक्शुअल एक्टिविटी से दूर हो ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो ये साधु हैं ये पूजा में लीन है पूजा कर रहे हैं तो ये और सेलिब्रेट का एक और है कि ये सब चीज़ें जो है मैरिज से क्यों दूर रहते हैं फॉर रिलीजियस रीजन्स ओके एग्जांपल है अ सेलिब्रेट प्रीस्ट नेक्स्ट इज फींस बहुत ही अच्छा वर्ड है ये फीन्स एन ईवल पर्सन शैतान उसके लिए यूज़ किया जाता है और फीन्स को आप फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो ईज़िली कैसे जैसे आपका बर्थडे होता है तो बर्थडे पे क्या करते हैं फ्रेंड्स जो केक है वो पूरा मुंह पे लगा देते हैं या फिर जब आप कैंडल्स बुझाने जा रहे होते हो तो आपका सर पकड़ के केक में डाल देते हैं और आपका फेस पूरा केक में गंदा हो जाता है तो फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि माय फ्रेंड्स आर फीन या फिर माय फ्रेंड्स एक्ट लाइक अ फीन ऑन माई बर्थडे मेरे बर्थडे के दिन मेरा फ्रेंड तो बहुत शैतान बन जाता है बहुत बदमाश बन जाता है क्योंकि मेरा फेस केक में लगा देता है वो पूरा ठीक है फ्रेंड्स तो फीन्स को आप किस से कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स से ठीक है तो मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं बदमाश है चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं थ्रिफ्टी ये बहुत ही अच्छा वर्ड है इसका मीनिंग है इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती जो बचत करता हो और बचत आपने देखा होगा कि जो मम्मियाँ होती हैं मॉम्स होती हैं वो हमेशा बचत करती है उनको पापा एक हफ़्ते का अगर देते हैं कि हज़ार है चलो ये सब्ज़ियों के लिए वो बिल्कुल करेक्ट अमाउंट देते हैं लेकिन मम्मियाँ उस हज़ार में से भी पैसे बचा लेती हैं बारगेनिंग करके तो वो बहुत ही अच्छी आदत है उनकी क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल होती हैं बहुत किफ़ायती होती हैं और ऐसी आप इसको लिंक कर सकते हैं जो ये वर्ड है थ्रिफ्टी को आप लिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स थ्री फिफ्टी से मतलब थ्री फिफ्टी रुपीज़ जो तो क्या करेंगे कि थ्री फिफ्टी रुपीज़ में पापा देते हैं वन थाउजेंड रुपीज़ लेकिन मम्मी एक हफ्ते का खर्चा कितने में चला देती हैं थ्री थ्री फिफ्टी रुपीज़ में ठीक है मतलब पैसा बचा लेती हैं बहुत किफ़ायती है मम्मी और यहाँ पर भी देखिए इमेज में ये लेडी है इनको ये बताता है इस शू का प्राइस कि डॉलर टू एटी फाइव लेकिन ये क्या बोल रही है मैम नहीं आई कैन डू डॉलर थर्टी मतलब मैं थर्टी डॉलर ही दूंगी तो ये भी पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे तो एग्जाम्पल है माई मॉम इज़ वेरी थ्रिफ्टी मेरी मम्मी बहुत क्या है इकनॉमिकल हैं किफ़ायती हैं ठीक है और इकनॉमिकल आप कैसे देखो थ्री थ्रिफ्टी को थ्री फिफ्टी से लिंक किया और इकोनॉमिकल को देखो जो इकोनॉमिक्स है या फिर इकनॉमी है वो किससे लिंक होती है पैसों से तो आप ऐसे याद रखेंगे थ्रिफ्टी इकोनॉमिकल ओके नेक्स्ट इज़ एसपियोनेज एसपियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग और हिंदी में हम बोलेंगे जासूसी और इस सॉरी फ्रेंड्स और इसको आप लिंक कर सकते हैं कैसे ए स्पाई ऑन एज क्या करना है ए स्पाई ऑन एज कोई है जो अपनी एज नहीं बता रहा है किसी को एज पता करनी है तो ए स्पाई ऑनर एज मुझे उसकी एज पता लगानी है और उसके लिए उन्होंने क्या हायर करें जासूस भी हायर करें तो देखिए ये पेड़ के पीछे छुपा है ये इसको फ़ोन मिल गया तो ये फिर देख रहा होगा किसी ऐप से गूगल या फेसबुक से कि अच्छा ये है एज इसकी ठीक है तो द काम द केमोफ्लाज एंड सिक्रेसी ऑफ एसप्यूनेज ठीक है क्योंकि ये जो होते हैं क्या छुपाते हैं अपनी पहचान क्योंकि अगर बता देंगे तो इनको कोई कुछ बताएगा ही नहीं तो ये छुपाते हैं अपनी पहचान और कैमोफ्लाज का एक और आप कह सकते हैं डिस्गाइज मतलब जो अपनी क्या छुपाए पहचान छुपाए डिस्गाइज ठीक है ये इसका मीनिंग होता है डिस्गाइज मतलब बहरूपिया दूसरे रूप में दूसरा बंदा मतलब ये अपनी पहचान तो बताएगा नहीं तो जो अपनी पहचान छुपाए उसको हम कहते हैं कैमोफ्लाज तो कैमोफ्लाज एंड सीक्रेसी ऑफ एसपीओनेज ओके नेक्स्ट इज़ एक्सोडस बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत ही ईजी वर्ड है ये एक्सोडस का मतलब होता है अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल बहुत ही सारे लोग जब एक साथ जाते हैं तो उसे कहते हैं एक्सोडस इसका हिंदी में मीनिंग है प्रस्थान एक्सोडस को फ्रेंड्स आप 110 से लिंक कर सकते हो और 110 लोग क्या कर रहे हैं गांव से शहर जा रहे हैं काम की तलाश में और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कैसे ये लोग इस पे बैठ रहे हैं और कितने लोग और फिर कहाँ जा रहे हैं इतने अलग अलग गांव से लोग आए हैं शहर में काम के लिए तो एग्जाम्पल है देर हैज़ बीन अ मास वर्कर्स फ्रॉम द विजेस टू द टाउन मतलब बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो विलेज से टाउन जाते हैं और क्यों जा रहे हैं काम की तलाश में ओके नेक्स्ट इज वन डेटा ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है तो वैन डेटा का मतलब है फ्यूड मतलब दुश्मनी ठीक है तो आप वैन डेटा को इन दोनों में देखो कितनी दुश्मनी है कि ये एक दूसरे के देख के दांत कैसे कर रहे हैं कि तू मेरे सामने क्यों है तो वैन डेटा क्या है आप फ्रेंड्स इसको लिंक कर सकते हो वन देवता से किससे लिंक कर सकते हो वन देवता से अब कैसे अब देखो कई बार क्या होता है लोग एयर पल्यूट कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट को अ, मतलब काट देते हैं अपने काम के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए तो अब जंगलों को काटे जा रहे हैं ठीक है वन देवता है तो वनों को काटा जा रहा है तो अब वन देवता क्रोधित हो गए उन्होंने क्या करा लोगों को सबक सिखाने के लिए दुश्मनी निकालने के लिए ठीक है उन्हें सबक सिखाने के लिए क्या करा उन्होंने आग लगा दी या फिर कुछ ऐसा कर दिया जंगल में आग लग गई था ना तो वो फंस गए सारे लोग जो काट रहे थे जंगल को ठीक है और आपको एक और चीज़ पता है जब मतलब ऐसा हम प्रकृति को नुकसान जब पहुंचाते हैं तो हमें उल्टा भी आता है वापस ठीक है किसी ना किसी रूप में तो और आप देख रहे होंगे आपने ये सुना भी होगा एक्चुअली न्यूज़ उत्तराखंड में एक मतलब भगवान की माता की मूर्ति थी तो उसको मना कर रहे थे हटाने के लिए लेकिन उन लोगों ने हटा दी कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ तो क्या हुआ वहाँ पे पूरे उधर बाढ़ आ गई ऐसा बोलते हैं लोग मतलब वहाँ के कि हटाई है तभी वो बाढ़ आई है तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल लेते हैं ही हैज़ अक्यूज द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ परसुइंग अ वेंडेटा अगेंस्ट हिम उसने क्या करा है टाइम्स ऑफ इंडिया पे क्या लगाया है आरोप लगाया है अक्यूज मतलब आरोप लगाना आरोप लगाया है कि उसने क्या करा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर्सन के अगेंस्ट दुश्मनी निकाली है उसके बारे में कुछ गलत लिख दिया होगा तो नेक्स्ट इज अबोर्टिव इसका मतलब होता है फ्रूटलेस या फ्यूटाइल और हिंदी में इसका मतलब होता है निष्फल अबोर्टिव बहुत ही इजी वर्ड है आप इसको लिंक कर सकते हैं अब और टी अब और टीवी नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी क्योंकि क्या हो रहा है उससे टाइम वेस्ट हो रहा है पूरे दिन और रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो उसको क्या कहेंगे फ्रूटलेस और अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग फ्रूट फुल ठीक है तो फ्रूटलेस आ रहा है तो आप क्या करेंगे अब और टी नहीं देखूंगी क्योंकि क्या हो रहा है एग्ज़ाम है दो महीने बाद और रिज़ल्ट फ्रूटलेस आएगा तो इट इज एन एबिव एफर्ट डन योर टीम तुम्हारी टीम के द्वारा यह बहुत ही निष्फल क्या है एफर्ट है नेक्स्ट इज प्लमेट इसका मतलब होता है फॉल हार्ड एंड फास्ट बहुत ही तेजी से गिरना तो नीचे की ओर तेजी से गिरना कहते हैं प्लमेट इसको आप लिंक कर सकते हो फ्रेंड्स प्लैनेट के साथ में प्लैनेट के साथ में आप लिंक कर सकते हो ऐसे कि जो प्लैनट है वो हमारी अर्थ के उधर बहुत तेज़ी से आ रहा है और क्या कर रहा है गिर रहा है आके ठीक है तो प्लानट बहुत तेज़ी से आके पृथ्वी की ओर क्या कर रहा है आसमान से पृथ्वी की ओर आगे तेज़ी से गिर रहा है तो प्लानट प्लैनिट और प्लानट क्या कर रहा है तेजी से आके पृथ्वी पर गिर रहा है और यहाँ पे भी देखिए ये दो पर्सन है ये तो छलांग लगा लेता है और पहुँच जाता है यहाँ पे लेकिन ये पर्सन क्या होता है तेजी से नीचे गिर रहा है और ये भी देखिए ये फ्रेंड्स जो प्राइसेस होते हैं या फिर शेयर मार्केट आप ले लो उसमें जब प्राइसेस एकदम से फॉल होते हैं तो उसका आप कह सकते कि हो कि अरे एकदम से प्राइसेस फॉल हो गए तब वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो आप ये वर्ड प्लमेट तो एग्जाम्पल है आई थिंक वी विल सी कॉमोडिटी प्राइस प्लमेट इन द कमिंग ईयर्स मतलब जो कॉमेडिटी के प्राइसेस हैं जो चीज़ों के प्राइसेस हैं वो आने वाले सालों में इन द कमिंग ईयर्स मतलब आने वाले सालों में क्या हो जाएंगे बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे नेक्स्ट इज सबैटिकल ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और न्यूज़पेपर में बहुत बार आया भी है और इसका हम करते हैं इसका मीनिंग है अ पीरियड ऑफ पेड लीव मतलब ऐसी छुट्टी जिसके पैसे देते हैं दिए जाते हैं तो इसका हिंदी में है अवकाश तो सबैडिकल को आप ऐसे याद कर सकते हो फ्रेंड्स कि सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल सैटरडे है और मेरी छुट्टी है तो सब बातें कल करेंगे आज तो काम करना है सब बातें कल करेंगे सैटरडे है आराम से बैठ के छुट्टी वाले दिन करेंगे या फिर जिसकी सै जो प्राइवेट में है उनके अगर वीक मतलब वीकडेज में होती है तो वो बोल सकते सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल छुट्टी है और कल छुट्टी है तो आराम से बात करेंगे और फ्रेंड्स एक और चीज़ इसमें जो छुट्टी होती है उसके पैसे मिलते हैं तो जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है किसी की या फिर जो भी वीकडेज़ में अगर प्राइवेट ऑफिस में जो छुट्टी मिलती है आ, मतलब वीक में एक या दो बार तो उसको उसकी सैलरी नहीं कटती वो पेड लीव होती है या फिर किसी को जैसे मैटर्निटी लीव चाहिए या फिर कोई सिक लीव चाहिए तो वो सब पेड लीव होती हैं उनके पैसे नहीं कटते हैं तो फ्रेंड्स शी इज ऑन सबैटिकल फॉर सिक्स मंथ छः महीने के लिए वो सबैटिकल पे है मतलब पेड लीव पे है और फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन ये छुट्टी ले लेते हैं और उसके बाद आराम से घूमने जा रहे हैं और इनको कोई टेंशन नहीं है ये देखिए कितना रिलैक्स कर रहे हैं इनको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इन्हें पता है सैलरी तो आ रही है अकाउंट में सो नेक्स्ट इज वेंचर वेंचर का मीनिंग होता है रिस्की और डेयरिंग जर्नी और इसको हम हिंदी में कहते हैं उद्यम आप वेंचर को लिंक कर सकते हो एडवेंचर से आप कहते हो ना अरे एक एडवेंचर ट्रिप हो जाए या फिर कुछ तो एडवेंचर करना है लाइफ में है ना तो एडवेंचर क्या डेयरिंग काम करना है रिस्की काम करना है जैसे बंजी जंपिंग हो गई स्काई डाइविंग हो गई तो ये सब डेयरिंग काम है और यहाँ पे देखिए ये जो बंदा है ये कुछ ज़्यादा डेयरिंग काम कर रहा है ये इस ट्रेन की विंडो से निकल के यहाँ बैठा है इसको सीट नहीं मिली तो तो ये बहुत ज़्यादा ही डेयरिंग काम हो गया तो एग्जाम्पल है शी वेंचर्ड आउट इन टू द ब्लिजार्ड मतलब वो रिस्की सिचुएशन में फंस गई है कहाँ पे ब्लिजार्ड में फ्रेंड्स ब्लिजार्ड क्या होता है जब स्नो स्टॉम आता है मतलब बर्फीली तूफान आता है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं उसे कहते हैं ब्लिजार्ड ओके नेक्स्ट इज कब कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रेंट और कंट्रोल या फिर रेस्ट्रिक्शन सो so फ्रेंड्स इसका हिंदी में मीनिंग होता है नियंत्रण और आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो देखो कब्स से क्या मिल रहा है काब्स काब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स उनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं क्या काप्स तो कोई लोग डाइट कर रहा है या फिर कोई प्रोटीन डाइट पे है या फिर किसी को कुछ मतलब डॉक्टर ने बोला है कि वेट लूज करना है तो रात को काब्स नहीं खाने हैं तो फ्रेंड्स कब मीन्स काब्स आपको रात को काब्स पे क्या करना पड़ेगा कब करना पड़ेगा क्या करना कर, काब्स पे क्या करना पड़ेगा कर्ब करना पड़ेगा ठीक है कंट्रोल करना पड़ेगा तभी आप फिट रहोगे ठीक है या फिर आपको बॉडी जो आपको चाहिए फिट बॉडी वो मिलेगी ठीक तो है तो एग्जाम्पल है टीचर्स डिसाइडेड टू रिलैक्स द कर्ब्स ओवर सीनियर क्लास स्टूडेंट्स मतलब जो सीनियर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या करा उन्होंने जो कन मतलब रेस्ट्रिक्शन था उसको क्या कर दिया रिलैक्स कर दिया यहाँ पे देखिए ये कितनी स्ट्रिक्ट टीचर है फिर ये फ्रेंडली हो जाती हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं अरे वाह टीचर तो बहुत फ्रैंक हो गई तो इन्होंने क्या कर दिया रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए कंट्रोल कम कर दिया ओके नेक्स्ट इज़ क्वारंटीन ये तो बहुत कॉमन वर्ड है आजकल तो क्वारंटीन का मतलब होता है आइसोलेशन मतलब कन्फाइनमेंट हिंदी में संगरोध बोलेंगे तो फ्रेंड्स क्वारंटीन का आप लिंक कर सकते हो ऐसे कि क्यों रन कर रहा है इस टाइम पे तुम्हें तो कोरोना है तुम जाके आइसोलेशन में रहो क्यों रन कर रहा है इस टाइम पे तुम्हें कोरोना है या फिर हो सकता है तुम आइसोलेशन में रहो अलग रहो और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी है ताकि अंदर लोग ना जाए और ये देखिए इन्हें सूट्स में रखा गया है कि कोई भी किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए औरों को तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है पीपल इन्फेक्टेड विथ कोविड नाइन्टीन आर इन क्वारंटीन फॉर फोर्टीन डेज ठीक है जो लोग कोविड नाइन्टीन से मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है फ़ोर्टीन डेज़ के लिए ताकि वो पता लग जाए कि आ, मतलब ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और इनफैक्ट जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटीन में लिया गया है फोर्टीन डेज़ के लिए और फ्रेंड्स ये चीज़ देखिए क्वारंटीन का अब याद रखना क्यों रन कर रहा है इस टाइम पे तुम्हें आइसोलेशन में रहना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज कॉम्पलिसेंसी इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर स्मग्नेस हिंदी में बोलेंगे शालीनता तो आप देखिए कॉम्पलिसेंसी को आप आ, इस ट्रिक से कर सकते हो कि कम प्लेस नाइस है कम प्लेस नाइस है मैं तो उसी में खुश हूँ मतलब ये बंदा सेल्फ सेटिस्फैक्शन इसको मिल गया है कम प्लेस में तो कम प्लेस नाइस है अच्छी है इसका एग्जाम्पल देखिए योर परफॉर्मेंस इज़ बेटर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है बट देयर इज़ नो ग्राउंड फॉर कॉम्प्लेसेंसी लेकिन कॉम्प्लेसेंसी की कोई भी जगह नहीं है मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कोई जगह नहीं है तो आप फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखें कि कम प्लेस कम जगह या कोई कम सक्सेस आपको मिलती है तो उसमें सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है आगे बहुत और चीज़ें हैं करने को वो करिए रुकिए मत जैसे बंदा देखिए ये पहले यहाँ पे इसको सक्सेस मिल जाती है यहाँ पे भी मिलती है लेकिन ये बढ़ता रहता है आगे क्योंकि आगे मंजिल और है नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रेस मीन्स अपसेट और वर्ड हिंदी में बोलेंगे तंग और व्यथित और डिस्ट्रेस फ्रेंड्स आप लिंक कर सकते देखो डी दी, दी हम दीदी कहते हैं बड़ी सिस्टर को तो दी स्ट्रेस क्यों हो आप वरीड हो गया अपसेट हो गया तो दी स्ट्रेस है क्यों क्योंकि वो अपसेट है तो दी अपसेट है इसलिए डिस्ट्रेस्ड है तो स्ट्रेस का आपको पता ही होगा स्ट्रेस मतलब परेशान तंग रहना व्याकुल तो डिस्ट्रेस मीन्स अपसेट तो आई फेल डिस्ट्रेस्ड अबाउट माई प्रॉब्लम मेरी जो प्रॉब्लम है उस वजह से मुझे क्या हो रहा है परेशानी फील हो रही है डिस्ट्रेस फील हो रहा है तो ये देखिए ये लेडी हैं इनको फोन में कोई मैसेज आया है कोई नेगेटिव मैसेज है कोई व्याकुल करने वाला मैसेज है और ये क्या हो गई देखो परेशान हो गई है ना बहुत ज़्यादा क्या हो गई अपसेट हो गई तो फिर डिस्ट्रेस में दी स्ट्रेस है दी स्ट्रेस है क्योंकि अपसेट है नेक्स्ट इस परव्यू इसका मतलब है रेंज लिमिट और स्कोप ऑफ अ स्टैट्यूट मतलब जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है तो उनके या फिर जो लॉ है उसके अंडर उसके स्कोप में उसके लिमिट में जो भी चीज़ें आती हैं इसको हिंदी में बोलेंगे परिधि या फिर क्षेत्र ओके okay? तो यहाँ पे भी देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंडर जो चीज़ आ रहा है उसकी रेंज में जो भी चीज़ आ रही है वो उस पर अपना लॉ लगा सकता है अपना कानून लगा सकता है एग्जाम्पल है सच अ केस माइट बी विद इन द परव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन मतलब ये जो केस है ये शायद क्या जो लेजिस्लेशन है उसके रेंज में होगा तो मतलब वो कुछ क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं कुछ सल्यूशन बता सकते हैं नेक्स्ट इज प्लग प्लग का आप और फ्रेंड्स एक सेकेंड आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं यहाँ पे पर व्यू का आप कह सकते हो देखो पूरा व्यू करो पूरा देखो जितना आप देख सकते हो पूरा देखो जितना आप देख सकते हो ठीक है पूरा देखो जितना आप देख सकते हो तो पूरा उतना ही देख पाएंगे ना जितना कोई देख सकता है या जितनी चीज़ है तो मतलब उसका स्कोप या रेंज लिमिटेड है जितना दिखाओगे। आप दिखाओगे मान लो आप कोई पेपर लेकर आए अगर आप फ्रंट पेज दिखाओगे तो फ्रंट पेज ही तो देख सकता है न्यूज़पेपर का तो जितना दिखाओगे उतना ही दिखेगा तो पर व्यू से पूरा व्यू देखो जितना भी है तो जितना भी है मतलब जितना उसके लिमिट में है या रेंज में है या स्कोप में है ठीक है नेक्स्ट इज प्लग इस ये बहुत ही कॉमन वर्ड है तो प्लग का मतलब है ब्लॉक या फिर कॉक अ होल और कैविटी मतलब कोई होल छेद हो कोई या फिर कैविटी कैविटी से याद आया दांतों में लग जाती है कैविटी और गड्ढा हो जाता है दांतों में कीड़ा लग जाता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं उससे दांत को भर देते हैं वो गड्ढे को भर देते हैं और कॉक आपने देखा होगा जो बॉटल्स होती हैं उनका उनके मतलब उनको बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे जो बॉटल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है इसको बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है ये इसको कोक को, को ठीक है तो खामियों को दूर करना उसको कहते हैं प्लग ओके तो यहाँ पे देखिए इस रोड में क्या है ये गड्ढा है है ना ये होल है और इसको क्या कर रहा है ये पर्सन ने क्या ग्रेवल को लाके भर दिया है ना गड्ढा बंद कर दिया तो ट्रक्स अराइवड लोडेड विद ग्रेवल टू प्लग द होल एंड क्लियर द रोड जो जो ट्रक्स हैं वो ग्रेवल लेकर आए ठीक है, है? आ, ग्रेवल क्या होता है ये जो रोड की जो चीज़ें होती है मतलब पत्थर और ये सब इनको मिला के जो चारकोल होता है उसमें मिक्स करके लेकर आते हैं टू प्लग द होल वो होल जो है उसको भरने के लिए प्लग मीन ब्लॉक करने के लिए और रोड को साफ करने के लिए नेक्स्ट इज और फ्रेंड्स एक और चीज़ आप प्लग को ऐसे भी याद कर सकते हैं आपके घर में सबके सॉकेट होगा चार आप चार्ज मतलब चार्जिंग पे तो लगाते हैं फोन या फिर मतलब कोई भी चीज आप चार्ज करना है तो आप उसमें सॉकेट में लगाते हैं तो वो सॉकेट में ऐसे रहता है तो ये देखो ये भी ये भी तो होल्स रहते हैं इसमें और आप इस होल्स को क्या करते हो प्लग इन करते हो तो क्या होते हैं ये बंद हो जाते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं तो प्लग मतलब कहते हैं ना प्लग लगा दे मतलब इन गड्ढों को क्या कर दो बंद कर दो ठीक है नेक्स्ट इज मिसिव अ लेटर और मेमोरेंडम ठीक है ये जो मिसिव होता है ये औपचारिक पैगाम होता है मतलब फॉर्मल ये होता है फॉर्मल ठीक है हमने पीछे एपिस्टल पढ़ा था लेटर वो इनफॉर्मल भी हो सकता है लेकिन जो मिसिव होता है वो फॉर्मल ही होता है औपचारिक पैगाम होता है तो एग्ज़ाम्पल है सेबी हैज़ सेंट आउट मिसिव्स टू कस्टोडियंस आस्किंग फॉर डिटेल्स ऑफ चाइनीज होल्डिंग्स इन लिस्टेड एंटिटीज जो सेबी है उसने क्या करा है लेटर भेजा है मतलब फॉर्मल लेटर भेजा है कस्टोडियंस को क्या करने के लिए जो चाइनीज होल्डिंग्स है लिस्टेड एंटिटीज जितनी भी हैं उनके अंदर जो चाइनीज़ की होल्डिंग्स हैं जितना शेयर है उनका उसकी सारी जानकारी लेने के लिए और यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल लेटर है ये इनको भेजा जा रहा है है ना चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इज अनरूली अनरूली का क्या मतलब होता है नॉट ईजी टू कंट्रोल और राउडी नॉट ईजी टू कंट्रोल और राउडी और इसको हम कहेंगे अनियंत्रित अनियंत्रित मतलब जिसपे नियंत्रण ना रहे नॉट इजी टू कंट्रोल आपने ये जो अनरूली है इसको फ्रेंड्स आप इस ट्रिक से कर सकते हो जो अन होता है यू एन इसका मीनिंग होता है यू एन का इसका मतलब होता है नॉट ओके okay? और जो रूली है वो आया है रूल से ओके ये आया है रूल से तो नॉट रूल मतलब तुम्हारा रूल नहीं है तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो नॉट इजी टू कंट्रोल या राउडी राउडी को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते अक्षय कुमार की मूवी थी राउडी राठौर उसमें कोई कंट्रोल कर सका उसे नहीं उसने सारे गुंडों को मार भगाया तो इसमें देखिए ये बच्चे भी राउडी होते हैं क्योंकि बच्चों को भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है कैसे ये इन लेडी के फेस पे अपने मदर के फेस पे पूरा कलर कर रहे हैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों को एग्जाम्पल है अ ग्रुप ऑफ अनरूली चिल्ड्रन मतलब अनरूली चिल्ड्रेन मतलब राउडी बच्चों का या फिर जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अनियंत्रित बच्चों का क्या ग्रुप और फ्रेंड्स जो लास्ट मैंने कराया था मिसिव इसका आप एक ट्रिक ध्यान आइए इसको आप कर सकते हो इसको मिस से कर सकते हो देखो आई मिस से इसको आप ऐसे कर सकते हो आई और फिर आप वी ई आई हैव ठीक है तो आई हैव मिस यू मैंने तुम्हें मिस करा इसलिए एक लेटर लिखा ठीक है तो मैंने तुम्हें मिस करा तो क्या लिखा एक लेटर लिखा ठीक है तो आई हैव मिस यू इसको उल्टा ले लेंगे आई हैव मिस यू ठीक है इसलिए आई हैव क्या करा एक लेटर लिखा आई हैव रिटन अ लेटर नेक्स्ट इज एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट का मतलब होता है एक्सलोरेट या फिर प्रेसिपिटेट इसका मतलब होता है शीघ्र ठीक है शीघ्र तो शीघ्र मतलब बहुत जल्दी से और एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप स्पीड जल्दी बहुत बढ़ा देना अपनी इसका एग्जाम्पल है ही प्रॉमिस्ड टू एक्सपेडाइट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब उसने मुझे वादा करा था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो चेंजेस है वो क्या कर देगा एक्सपेडाइट कर देगा जल्दी कर देगा शीघ्र कर देगा और इसकी फ्रेंड्स ट्रिक है एक्सपेडाइट की कि जो एक्स था मतलब एक्स बॉयफ्रेंड लगा लो या जो भी तो एक्स फ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ डेट पे गए थे तो उसकी वजह से क्या करा जो एक्स है उसको दिखाने के लिए क्या करा एक्स पे डाइट करा ताकि जल्दी से फिट हो जाऊं और उसको क्या दिखाऊं दूसरे के साथ डेट पे जाके दिखाऊं क्योंकि उसने बोला तू इतनी मोटी है या फिर लड़की ने लड़के को बोला कि तू इतना मोटा है कि तेरे साथ कोई डेट पे नहीं जाएगा ब्रेकअप करते हैं तो फिर एक्स पे डाइट एक्स पे मतलब एक्स की वजह से डाइट करी ताकि क्या और क्यों जल्दी जल्दी करी जल्दी जल्दी फिट हुए ताकि दूसरे के साथ डाइट मतलब दूसरे साथ के साथ डेट पे जाके क्या करवा सके उसे जेलस फील करवा सके ओके okay? क्या करवा सके जेलस फील करवा सके नेक्स्ट इज पैंडेमिक पैंडेमिक वर्ड भी कॉमन है आजकल बहुत चल रहा है तो वाइड स्प्रेड पर वैसे मतलब जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ हो अब पैनडेमिक क्या होता है जो पूरी कंट्री या फिर पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में फैल गया हो उसे पैंडेमिक कहते हैं हिंदी में महामारी अब यहाँ देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है यहाँ देखिए कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे भी फैला हुआ है तो पैंडेमिक पूरी कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड में जब फैल जाता है तब हम बोलते हैं पैंडेमिक इसका एग्जाम्पल है अ पैनडेमिक आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़ मतलब कोई बीमारी है उसका क्या हो गया वो पूरे विश्व में या पूरे देश में फैल गई है नेक्स्ट इज और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एपिडेमिक भी आपने बहुत बार सुना होगा एपिडेमिक का मतलब होता है आउटब्रेक या प्लेग और इसका ये क्या होता है इन अ कॉम्यूनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम ये एक पर्टिकुलर टाइम में कम्युनिटी में ही होता है ठीक है ये पूरे विश्व में नहीं फैलता ये एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है ठीक है जैसे महामारी और आप यहाँ देख रहे होंगे एक होता है फिर एक से इतनों को इतनों को इतनों को तो ये तो पैंडेमिक में भी होता है लेकिन अलग क्या है कि ये कम्युनिटी में होता है थोड़े में होता है लेकिन जो पैंडमिक है वो पूरे विश्व में फैलता है ठीक है तो जैसे अ फ्लू एपिडेमिक ठीक है और फ्रेंड्स एपिडेमिक और पैंडमिक पे ही आते हैं इसमें एक ट्रिक आ, मतलब एक चीज़ बताते हैं देखो यहाँ पे क्लियरली इमेज में शो हो रहा है यहाँ पे ये देखो एपिडेमिक में क्या होता है देखो यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में हुआ है ठीक है लेकिन पैंडमिक में क्या होता है पैंडमिक में क्या हुआ यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है इधर भी है और यहाँ पे भी है तो पैंडेमिक में पूरी कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है और एपिडेमिक में क्या होता है सिर्फ थोड़े से एरिया में फैला फैला होता ही है ठीक है सो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट uh, मतलब लास्ट वर्ड थे ये हमारे तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना एंड फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन थैंक यू फ्रेंड्स and have a nice day.